This video is brought to you by How's That? क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? How's That पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हरा और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howsthat.com एंड विन रियल कैश। ऋचा चड्ढा की फिल्म आ रही है, नाम है मैडम चीफ मिनिस्टर। रिलीज से पहले ही फिल्म पर बवाल मच गया। मेकर्स और ऋचा को लगातार धमकी भी मिली। ऐसी एक धमकी दी नवाब सतपाल तंवर नामक शख्स ने। कहा है कि जो ऋचा की जुबान काट कर लाएगा उसे बदले में 2 करोड़ की कीमत वाली बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोने की शील्ड से सम्मानित किया जाएगा। नवाब सतपाल ने आरोप लगाया है कि फिल्म उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर आधारित है और उनके चरित्र को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। ऋचा ने भी धमकी का जवाब दिया। अखबार में छपी नवाब सतपाल की धमकी को शेयर कर ट्वीट किया, हम नहीं डरते। स्वरा भास्कर भी ऋचा के सपोर्ट में आगे आई। उन्होंने ट्वीट किया, ये बेहद शर्मिंदगी की बात है और इसकी आलोचना होनी चाहिए। आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं या किसी फिल्म से प्रॉब्लम हो सकती है, पर यह तो सरासर धमकी है और हिंसा भड़काने की कोशिश। अंबेडकरवादी और दलित फेमिनिस्ट विचारशील लोग हैं, आगे आइए और इसे कॉल आउट कीजिए। ऋचा से एक ट्विटर यूजर ने भी इसी तर्ज पर सवाल किया, पूछा कि क्या कभी आपको फिल्म की स्क्रिप्ट रिजेक्ट करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि फिल्म का बैकग्राउंड पॉलिटिकल है। ऋचा ने अपना जवाब कायम रखा, नहीं, हम नहीं डरते। बता दें कि फिल्म पर शुरू हुआ विवाद नया नहीं है। फिल्म का पहले पोस्टर रिलीज किया गया था जिसमें ऋचा का किरदार हाथ में झाड़ू लिए खड़ा है। ऋचा फिल्म में एक दलित औरत का किरदार निभा रही है। लोगों ने आपत्ति उठाई, कहा कि दलितों को कब तक ऐसे ही दिखाओगे। उसके बाद पोस्टर को वापस लिया गया और अगले ही दिन नया पोस्टर रिलीज किया गया। फिल्म में ऋचा के गेटअप को देखकर लोग अनुमान लगाने लगे कि ये मायावती की बायोपिक है। उस पर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। मजबूरन मेकर्स को फिल्म के ट्रेलर में डिस्क्लेमर ऐड करना पड़ा कि फिल्म पूरी तरह से काल्पनिक है। इसके बाद खुद ऋचा ने एक स्टेटमेंट जारी किया, फिल्म के पोस्टर को लेकर हो रही आलोचना को सही ठहराया, जाहिर किया कि किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। फिल्म में ऋचा के अलावा सौरभ शुक्ला, मानव कौल और अक्षय ओबरॉय भी दिखाई देंगे। फिल्म थिएटर्स में 22 जनवरी को रिलीज होगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी यमन ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर जितना महान हो सकता था हो नहीं पाया, और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाए। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।